Assalamu alaikum everyone, this is your trainer Mona Nasir and I warmly welcome you all in the second lecture of how to earn money online through Fiverr. पिछले लेक्चर की तरफ अगर हम लोग नज़र डालें तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे आपने 7 लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स को सर्च करना है जो हाई इन डिमांड भी हों. हाई इन डिमांड और लो कॉम्पिटिशन, व्हाट इज दिस? बेसिकली वो कीवर्ड्स जो 1000 से कम के सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो रहे हो या उससे भी कम रिजल्ट्स में अपीयर हो रहे हो लेकिन हाई इन कंपटीशन हो, यानी कि आपके बायर्स आपको ज़्यादा रीच कर रहे हों और ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हों, तो वो बेहतरीन कीवर्ड्स कहलाते हैं. तो पिछले लेक्चर में एक हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि कैसे हम लोगों ने 7 लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स को सर्च करना है, और दूसरे नंबर पर हमने सीखा था कि कैसे आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है. अगेन अगला लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अभी तक अगर आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपकी निच क्या है या सेलिंग किस चीज़ को स्किल को करना है आपने, या आपकी बेस क्या है, या आपने 7 कीवर्ड्स अभी तक नहीं ढूंढे हैं, तब तक आप आगे प्रोसीड ना करें. ठीक है, मेरे लेक्चर ज़रूर लें लेकिन आगे प्रोसीड ना करें, क्योंकि आप जब तक अपने 7 लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स अपने निच के हिसाब से नहीं तलाश करेंगे तब तक आपको अपनी प्रोफाइल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. ये ना हो कि आप लोग प्रोफाइल बना लें और उसके बाद आप बैठे रहें और इंतज़ार करें कि जी हम लोग जो हैं अब क्या करें, और आपको ये भी टेंशन हो कि जी प्रोफाइल तो बन गई है, ऑर्डर नहीं आ रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर वो आपकी प्रोफाइल के साथ एक मजाक हो जाएंगी. ठीक है, तो आपने क्या सीखा था पिछली लेक्चर में अगर हम लोग देखते हैं, तो पहली चीज़ हमने सीखी थी कि व्हाट टू सेल, आपने बेचना क्या, यानी कि आपकी स्किल क्या है, आप किस निच को लेकर आगे चलना चाहते हैं, आपने एक ना एक कोई ना कोई चीज़ जो है वो डिसाइड कर रखी होगी और आपने उस चीज़ को बेचना है. दूसरे नंबर पे वेयर टू सेल, वेयर टू सेल मैंने आपको बेहतरीन तरीके से पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग फाइबर पे हम लोग अपनी स्किल को जो है वो सेल करने के लिए जा रहे हैं. इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हाउ टू सेल, यानी कि हम लोगों ने अपनी स्किल को बेचना कैसे. अच्छा, यहाँ पर एक नई टर्म का मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ और वो है गिग. बहुत सारे लोग जो फाइवर पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ नहीं होगी, लेकिन वो लोग जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम फाइवर की प्लेटफॉर्म पे आए हैं उनके लिए ये एक बिल्कुल ही इस तरह की चीज़ है जो कभी उन्होंने नहीं सुनी होगी. मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ अपने लेक्चर से रिलेटेड बात किया करें, कोई ऐसी टर्म इस्तेमाल ना करें. रिस्पेक्ट करें न्यूबीज़ की, उनको जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता उस चीज़ के बारे में डिस्कशन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन समटाइम्स इस बात को फॉलो नहीं किया जाता. बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गिग क्या है. ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कि गिग क्या है, और ये बेसिकली गिग की एक ज़ाहिरी सी शक्ल है. ठीक है, ये आपको एक गिग दिख रही है, ये जब आप सर्च पे जाके अपने कीवर्ड को सर्च कर रहे होते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट्स अपेयर होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, इस तरह के थाउजेंड्स में रिजल्ट्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये होती है कि एक सामने इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ रही हो, ये होती है फ्लायर या पम्फलेट. ठीक है, ये इस तरह की चीज़ होती है जो आपकी गिग को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि व्हाट आर यू बेसिकली सेलिंग, आप कितने बेहतरीन तरीके से बायर की नज़रों में दिख रहे होते हैं. ठीक है, ये किस लिए होती है? बेसिकली होती है कि आपका जो बायर है, ठीक है, जिसको आपका काम चाहिए, वो आपको कितने बेहतरीन तरीके से आप उसके सामने अपने आप को पेश करते हैं ताकि वो आपकी ये जो गिग
नामी एक चीज है, उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद देखें ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। अ स्टैंडर्ड गिग कंटेन्स, अ स्टैंडर्ड गिग कंटेन्स, एक गिग के अंदर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है या जिन चीज़ों से मिलकर एक ज़बरदस्त किस्म की गिग बनती है, वो कुछ ये हैं। इसमें सबसे पहले जी आपका टाइटल होता है, टाइटल ये एरिया है। आई विल राइट अ हाई क्वालिटी SEO आर्टिकल्स, आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट, ये आपका टाइटल है। इसके अंदर जो वर्ड है आई विल, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये जो है ना रिजर्व वर्ड्स हैं, इसको आपने नहीं लिखना। ये ऑलरेडी फाइवर की तरफ से हर गिग के स्टार्ट में ये लिखा हुआ होता है, आपने आगे अपने टाइटल को कंप्लीट करना है। जैसे कि लिखा है आई विल राइट, ठीक है, अगर आप लोगो बना रहे हैं तो आप लिखेंगे आई विल क्रिएट, ठीक है, या समथिंग जो भी आपको आपकी अगर आप कुछ सेलिंग यहाँ पर करें तो आपने लिखना है आई विल सेल, ठीक है, तो आई विल लिखा होगा, आपने लिखना है सेल राइट ये वो इस तरह करके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये दूसरी चीज़ जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए टाइटल के अंदर, वो है वो कीवर्ड जो आप लोगों ने सर्च किया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये बंदा यूज़ कर रहा है SEO आर्टिकल, ठीक है, SEO आर्टिकल, तो ये जो SEO आर्टिकल है ये इसका मेन कीवर्ड है, SEO आर्टिकल और ब्लॉग, SEO ब्लॉग, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ये यूज़ करते हुए अपना टाइटल बना रहा है। दूसरे नंबर पर चीज़ आ जाती है कवर फोटो, व्हाट इज़ बेसिकली अ कवर फोटो, कवर जिसके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि किसी चीज़ का ज़ाहरी हिस्सा या फिर वो हिस्सा जो सामने नज़र आ रहा हो वो कवर कहलाता है, ठीक है। आपकी गिग में ये नज़र आने वाली तस्वीर या पिक्चर या आपकी गिग की कवर फोटो कहलाती है, ठीक है। और इसका एक गिग के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रोल होता है, यानी कि आपके कवर को देखकर, ठीक है, कवर को देखकर आपका क्लाइंट या फिर आपका बायर आपकी तरफ माइल होकर आपकी गिग के ऊपर क्लिक करता है, और क्लिक करने के बाद फिर वो अंदरूनी सारी चीज़ें देखता है कि इस गिग में और क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो ये आपका कवर आपके लिए बेहतरीन किस्म का एक आपको पर क्लिक करने के लिए बेहतरीन किस्म का आपका साथी बन सकता है, आपकी गिग का बेहतरीन साथी बन सकता है। फिर जो इसके आगे आपको आपकी गिग के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो होती है बायर रेटिंग। ये मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ उन लोगों के लिए जो जिन लोगों की नज़र से ओझल हो गई होगी ये चीज़, या फिर क्योंकि ये गिग का हिस्सा है तो मैं इस चीज़ को दोबारा दोहराऊंगी, ठीक है। बायर रेटिंग ये कहलाती है बायर रेटिंग, यानी कि कितने लोग इस काम इसके काम से सेटिस्फाई हैं और कितने लोगों ने इसको कितने कितने हिसाब की रेटिंग दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बंदे के पास बायर रिव्यूज़ जो हैं वो हैं 569। इसका ये मतलब है कि अगर इसने मैं कहूँ 700 के करीब लोगों के लिए या बायर्स के लिए काम किया है, तो उसमें से 569 ने इनको रिव्यूज़ दिया है। अगेन रिव्यूज़ आपके बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको देना चाहे या ना देना चाहे, ठीक है। इसके लिए आप अपने बायर को फोर्स नहीं कर सकते, आप इस उसको ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि मुझको रिव्यूज़ दो, क्योंकि ये फाइवर की टर्म्स में अलाउ नहीं है, ठीक है। बाकी रेटिंग रेटिंग कहलाती है कि कितना बायर जो है आपसे सेटिस्फाई है। 5 रेटिंग का ये मतलब है 100 out of 100, 4.9 का इसी तरह करते करते लेस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है इसकी डिस्क्रिप्शन। जब आप इस गिग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस बायर की डिस्क्रिप्शन, इस गिग की डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी सेलर की, ठीक है, जो सेलर ने अपने
प्रोजेक्ट या वर्क या सर्विस के हिसाब से लिखी होगी। ठीक है, फिर आ जाता है पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, आई विल से दिस इज़ ऑप्शनल, क्योंकि इसके अंदर आपके सैम्पल्स वगैरह मौजूद होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने बायर को सैम्पल्स के थ्रू जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का लिंक जो है अपने गिग के डिस्क्रिप्शन में दें। अदरवाइज़ अगर आप अपने काम को आउटसोर्स करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो आप अपने काम को अपने वर्क को उससे लें, सैम्पल्स बनाएं और यहाँ पर डालें। ठीक है, ये ऑप्शनल है। नहीं भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी हेल्दी और ज़बरदस्त लिखी हुई होनी चाहिए कि जो मैं आगे आपको बताऊँगी कि पढ़ने वाला यहीं पर ही रुक जाए और कहें जी मैंने तो इस बंदे को ऑर्डर प्लेस करना है। फिर आ गया प्रोमोशनल वीडियोस, ये भी ऑप्शनल है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पुट, बट अगर आपको लगता है कि आप बेहतरीन वीडियोस बना सकते हैं और वो आपकी गिग के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। जहाँ पर ये आपकी कवर आ रही है, ठीक है, वीडियो बनाने के बाद आपकी कवर की जगह वो वीडियो अपीयर हुआ करेगी। और अगेन ये मैं कह रही हूँ कि ये कवर और वीडियो, ठीक है, आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को यहाँ पर लगा सकते हैं। और राइटिंग के लिए तो मैं बेटर ही समझूंगी कि आप जो है कवर ही लगाएं। अगेन एक जल्दी से एक रिव्यू सा ले लेते हैं, या फिर ज़रा जल्दी से देख लेते हैं इसको कि हम लोगों ने हाउ टू सेल में क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, डिसाइड योर सेलिंग निच। सबसे पहले आप लोगों ने सीख लिया कि आपने कौन सी स्किल के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, इट्स रियली वेरी सिंपल। अगर आप राइटिंग कर सकते हैं तो राइटिंग की तरफ को जाएं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाएं, वीडियो एडिटिंग, मैनी थिंग्स। ठीक है, अगर आप यूट्यूब का कर सकते हैं, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग एंड सो ऑन, फाइवर, बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर फाइंड लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स। आपने सीखा कि आपने 7 लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स कैसे जो है सर्च करने हैं, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 2-3 तरीके सिखाए हैं जिसके अंदर आप इजीली लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं। अगर कोई इसके अलावा मुझे कहता है कि कोई और तरीका बता दें, तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। बेटर है कि जो तरीक़ाकार बताया गया उसी तरीके से आप अपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स को सर्च करें। और बेसिकली एक फ्रीलांसर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप जो है लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं। ठीक है, नो बडी विल हेल्प यू आउट, बिकॉज हर किसी की अलहदा अलहदा स्किल होगी, हर किसी की अलहदा अलहदा निच होगी, और हर कोई अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपने सीखा कि साइन अप किस तरह करना है फाइवर पे, और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट किस तरह करना है फाइवर। आप फाइवर के लिए एक दो टिप्स मैं आपको दूंगी जब आप साइन अप कर रहे हो, कि अगेन ये बात भी पहले डिस्कस हो चुकी है, लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगी कि आप उस ईमेल एड्रेस को यूज़ कीजिएगा जो आपके नॉर्मली यूज़ में हो, ताकि आप जो है इसका पासवर्ड ना भूलें। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की तरफ से मैं देख रही होती हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम अपना पासवर्ड भूल गए। ठीक है, क्योंकि नया ईमेल एड्रेस जो है वो बनाते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं, और अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप ईमेल एड्रेस बनाने के बाद पासवर्ड इसका लाजमी कहीं लिख कर रख लीजिए। इसके अलावा ये आपसे एक ऑथेंटिफिकेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। मेक श्योर कि आप ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करें जो आपके यूज़ में हो, ठीक है, या किसी आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स वगैरह का हो, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो अगर कल को ये कोड मांगे और आपके पास नंबर ही अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो ये एक दो टिप्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। आगे है क्रिएट 7 गिग्स बेस्ड ऑन 7 कीवर्ड्स। अब हम लोग आगे क्या काम करने जा रहे हैं वो है, हम लोग 7 गिग्स बनाएंगे। मैं आपको एक गिग बनाकर दिखाऊंगी,
प्रॉपर उसका तरीका कार क्या है, और उसको देखते हुए अब आपने अपनी बाकी गिग्स को बताना है। अगेन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊं, बहुत ही फ्रेंडली माहौल में रहते हुए कि आप लोगों ने किस तरह काम करना है, ताकि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझें कि फाइवर इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है जितनी समझी जाती है। ठीक है, आगे विन अ प्रोजेक्ट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किसी प्रोजेक्ट को विन कैसे किया जाता है, किसी भी ऑर्डर को पकड़ा कैसे जाता है। ठीक है, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है बायर कम्स टू द सेलर, जब बायर खुद सेलर से कांटेक्ट करता है। ठीक है, उसके लिए क्या है कि आप गिग की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, बायर की नज़रों में आने के लिए ये लाजमी है। अगेन बता रही हूँ कि 7 लो कंपटीशन कीवर्ड्स बट हाई इन डिमांड। 7 लो कंपटीशन कीवर्ड्स का क्या मतलब है, 7 इस तरह के कीवर्ड्स हों जो जिन पर मुकाबला बहुत कम हो सेलर्स का, हाई इन डिमांड जो बायर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी डिमांड में हो। निकालने का तरीका जो है, मैंने 7 कीवर्ड्स का सर्च करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, तो बायर आपके पास खुद ब खुद इस तरीके कार के थ्रू आता है। ठीक है, दूसरा है तरीका जो है वो भी बहुत ही आसान है, वो है सेलर गोज टू द बायर। ये तरीका कार इस तरह का होता है कि बायर आकर जो है रिक्वेस्ट डालता है, और सॉरी सेलर आके रिक्वेस्ट डालता है और बायर उसके ऊपर बिड करता है। ठीक है, ये भी इतना जो है एक बहुत ही इजी आसान तरीका है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि गिग को इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि बायर जो है सेलर से खुद ब खुद कांटेक्ट करें। ठीक है, और आखिरी काम होता है डिलीवर द वर्क, कि आपने अपने काम को डिलीवर कैसे करना है, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जहाँ जहाँ आप स्टक होंगे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ऑब्वियसली ओपन होगा, जस्ट मुझे टैग करना है और अपना क्वेश्चन आपने पूछना है। अब हम सीखते हैं कि हम लोग अपनी गिग को किस तरह बनाएंगे। आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, प्रोफाइल बनाने के बाद आपके पास, अच्छा बहुत सारे लोग मेरे पास इस तरह के आते हैं जो ये कहते हैं कि जी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम लोगों ने एज अ बायर बना ली अपनी प्रोफाइल एंड सो ऑन, तो क्या करें। तो फाइवर हम लोगों को एज अ सेलर और एज अ बायर एक ही वक्त में दोनों चीज़ें, अपनी प्रोफाइल को दोनों तरीके से इस्तेमाल करने का हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू सेलिंग। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँ कि ये जो थोड़े ऑप्शंस आप देख रहे हैं अपने पेज के ऊपर, ये कभी यहाँ पर आ जाते हैं, कभी यहाँ पर आ जाते हैं, फाइवर इनको आगे पीछे घुमाता रहता है पेजेस पे। तो ये आप इस चीज़ को हरगिज़ भूल जाएं कि अगर जो है किसी वक्त मैसेजेस का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है तो आप एकदम घबरा जाएं, ओ ये तो मेरे साथ मेरा फाइवर ही ख़राब हो गया, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्विच टू बाइंग करके देखते हैं। जब आप स्विच टू बाइंग करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का पेज खुल जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना कोई किक नहीं बनाई, वो लोग जो पहले बना चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं बनाई मैं उनसे बात कर रही हूँ, कि आप सिंपल अपनी पिक्चर पे जाएंगे, जब वहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस जगह पर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बटन नजर आएगा, आपने वहाँ पे लिखा होगा क्रिएट योर किक। ठीक है, तो आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ से आपने अपनी गिग को बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है गिग्स का, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगा क्रिएट अ गिग। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई विल इस तरह के वर्ड्स हैं जिनको आपने दोबारा नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर आई विल से आगे मैं लिखना शुरू करूँगी, जैसे अगर चले फर्ज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर से जाकर सर्च करती हूँ, दिस इज़ अ गुड कीवर्ड, 470 पीपल आर वर्किंग ओवर हेयर एंड दे आर गेटिंग गुड
ऑर्डर्स विद गुड रिव्यूज़, ठीक है। तो इसका ही मतलब, और ये अच्छे पैसों में भी बिक रहे हैं, देखें $25, $30, $10, यानी कि ये कीवर्ड एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी को ही पिक करती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ आई विल राइट एट आर्टिकल, आर्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, ये लिख लिया, या फिर अब देखें आपने ये एक दफ़ा लिख लिया तो यहाँ पर ये आपका, आप इसको नहीं फिर चेंज कर सकते अगर आपने सेव इन कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। जब आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल को बनाकर, सॉरी इस पेज को फिल करके सेव इन कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये जो इसका लिंक एक बन जाएगा ये फिर चेंज नहीं हो सकता। तो मेक श्योर कि जो आप टाइटल बना रहे हैं वो एक ही दफ़ा देखभाल के संभाल के अपने कीवर्ड को ढूंढ के सर्च करके आप जो है एक ही दफ़ा बनाएं। लाइक ये मुझे सही नहीं लग रहा, मैं इसमें से फॉर यू को मिटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 100,000 words पेट आर्टिकल एंड ब्लॉग्स, ठीक है। अब ये जो है कैटेगरी, इसको भी आपने बहुत ही ध्यान से फिल करना है। सब कैटेगरी कैन बी चेंज बट कैटेगरी कैन नॉट, ठीक है। अगर आपने इसको डिजिटल मार्केटिंग कर दिया या कोई और आपने भर दिया है यहाँ पर फिल कर दिया, तो इसका ये मतलब है कि आपको फिर ये डिलीट करनी पड़ेगी, डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप उसको फिर यूज़ नहीं कर सकते। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, अब ये सब कैटेगरी को खुद सजेस्ट करके देख रहा है, इट डिपेंड्स ऑन यू टू कि आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो ये हम लोगों को सेलेक्ट करके दे रहा है ये हमारे टाइटल से रिलेटेड है, यानी कि फाइवर ने हमारे टाइटल को अंडरस्टैंड किया कि हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से ये खुद हम लोगों को बता रहा है कि जी आप आर्टिकल एंड ब्लॉग्स को कर ले वेबसाइट कंटेंट, लेकिन मैं आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स की तरफ जाऊंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी, आपका मेटा डेटा। व्हाट इज मेटा डेटा? बेसिकली ये हर किसी के पास डिफरेंट आता है, ठीक है, डिफरेंट आता है मेटा डेटा के आप बेसिकली क्या चीज़ प्रोवाइड करें, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करें तो कुछ और आ रहा होगा, अगर आप जो है मतलब SEO दे रहे हैं कुछ और आ रहा होगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग दे रहे हैं कुछ और आ रहा होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे कि यहाँ पर ये मुझे कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट अप टू टू आर्टिकल्स टॉपिक, ठीक है। मैं एक पेट कर देती हूँ और दूसरा मैं कर देती हूँ जनरल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे दो हो गए। अब आ गया लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आप ये काम प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली इंग्लिश लोग मुख्तलिफ में करें, आप इट डिपेंड्स ऑन यू, तीन कर सकते हैं आप, मैंने एक ही कर दिया। किस टोन में चाहिए, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखें कि आपका, आप सोचें कि आप जो काम प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं आपका बायर वो कौन कौन सी टोन में चाहेगा। जैसे कि मुझे लगता है कि वो कन्वर्सेशनल में चाहेगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, बेटर है कि आप इन चारों में से अपने हिसाब से कर लें, मैं जो ना प्रोफेशनल और फॉर्मल पे कर रही हूँ, ठीक है। आर्टिकल टाइप क्या है, अब ये भी आपके ऊपर, न्यूज़ स्टोरी है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, ये क्या चीज़ है आप देख लें। लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब आ जाए आगे सर्च टैग्स। व्हाट आर बेसिकली सर्च टैग्स? सर्च टैग्स बेसिकली कहलाते हैं आपके वो टैग्स जो जिनको लगता है बायर्स आपको इन टैग्स के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि अच्छा, इनमें से एक दो तो आप अपने टाइटल से ही सर्च कर लें, लिख लें, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया कि पेट आर्टिकल्स और एंटर दबा दिया, ठीक है। देन पेट ब्लॉग्स,
देन एंटर दबा दिया, देन मैंने दबा दिया, मैंने लिखा आर्टिकल राइटिंग, एंटर। देन मेरा एक और कीवर्ड 1000 words आर्टिकल, ठीक है। और अगर मैं ब्लॉग राइटिंग लिखती हूँ तो भी मुझे सर्च किया जा सकता है, और अगर मैं आर्टिकल राइटिंग लिखती हूँ तो भी मैं सर्च में आऊँगी, ठीक है। देन आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू, आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस करना है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। जो नेक्स्ट पेज मेरे सामने खुलता है वो खुल रहा है स्कोप एंड प्राइसिंग का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 पैकेजेस हैं जिनको हम लोग एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं, और उनमें सबसे पहले जैसे कि बेसिक में मैं अगर फ़र्ज़ करने लिख देती हूँ सिल्वर, अट्रैक्ट करने के लिए बायर को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। गोल्ड लिख दिया, यहाँ लिख दिया प्लाटिनम, या मैंने लिख दिया 500 words SEO optimized, ओके राइट आर्टिकल, ठीक है, और ब्लॉग। अब मैंने इसको सिंपल कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पर मैंने 1500 की जगह 1000 कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने सिंपल उठाया, यहाँ डाल दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1500। फिर आगे अगला ऑप्शन है डिलीवरी टाइम, ये भी आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपके पास टाइम है और कितनी जल्दी आप काम प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्टली प्रोफेशनल वर्कर्स जो होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, वो इतना जल्दी काम प्रोवाइड नहीं करते, ताकि आपके बायर के ऊपर भी इम्प्रेशन पड़े कि आप काम दिल लगी के साथ करें, हमने आप वेले नहीं बैठे कि आपके पास कोई और काम ही नहीं और फटाफट जान से उतार दिया। तो मैं 2 days लिखती हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 days में कर दूँगी, यहाँ पर मैं 3 days कर देती हूँ। फिर क्या करते हैं हम लोग, रिविजन्स पे आ जाते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि इतना बायर के साथ दिमाग ना ही खपाऊँ, तो मैं इतने भी कहती हूँ कि ठीक है, लेकिन आप अपनी निज के हिसाब से मुख्तलिफ सेलर्स की जो है प्रोफाइल्स को देखेंगे, उनकी गिग्स को देखेंगे कि वो सेम कीवर्ड को कौन कौन से तरीकों से जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपने उन्हीं की चीज़ें देखनी है, रिवीजन देखना है कितना दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन लेवल 2 सेलर्स के साथ मुकाबला आप लोगों का इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप बिल्कुल न्यू सेलर बन के जा रहे हैं, तो लेवल 1 सेलर्स को ज़रूर देखिएगा। वर्ड्स इंक्लूड 500, और यहाँ पर जो हम लोगों ने जैसे लिखा था, ठीक है। फोकस कीवर्ड्स, इट डिपेंड्स ऑन यू अगेन, क्या आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्या आप आर्टिकल राइटर हैं। अगर ये डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, अगर वो 3 को चाह रहे हैं, 3 और यहाँ पर आप 4 कर लें, जो भी है, ठीक है। टॉपिक रिसर्च ऑब्वियसली यू विल डू, ये भी आप ज़रूर देंगे प्लेजरिज्म ना देने के लिए। डाटा चार्ट आपकी मर्जी है, ठीक है। प्राइस भी आपने क्या करनी है कि देखना है कि एवरेज प्राइस क्या चल रही है। मुझे लगता है कि अगर 500 वर्ड्स की 15 चल रही है, तो एज अ न्यू भी मैं यहाँ पर $10 रख लूँगी, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया 20, और इसको मैंने कर दिया 30। एडिशनल वर्ड्स अगर आप लिखना चाह रहे हैं, आई विल चार्ज 500 अगर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये आप यहाँ नहीं लास्ट वाले में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1500 का दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी $5 लिख लें आप, यहाँ आप 500 ही लिख लें, ठीक है, तो यहाँ 10 लिख लें आप,
इस तरह, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक में हम लोगों ने 2 दिन की डिलीवरी लिखी हुई थी, तो हम लोग इसको 1 दिन कर देंगे, ठीक है। कम करना है, जो ऊपर काम जितना आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे कम यहाँ पर लिखेंगे, कम डेज में। 1 दिन एक्स्ट्रा $5 डाल दिए, क्योंकि ये भी 2 डेज है, तो मैंने यहाँ पर 1 डे किया। यहाँ पर मैं 2 डेज कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं $5, ठीक है। अब फाइवर हम लोगों को एडिशनल रिवीजन की भी जो है हम लोगों को परमिशन देते हैं। आप ऑलरेडी 2, 3 और 4 रिवीजन दे रहे हैं, अब यहाँ पर आपकी मर्जी है। 1 दिन, ठीक है, आपने डाल दिया। स्टॉक फोटोज अगर वो डलवाना चाहे तो आप डलवा लें, ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। एडिशनल फोकस कीवर्ड आप डालना चाहें, मर्जी है। डाटा चार्ट आप डालना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी से भी एड के एक्स्ट्रास कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि अगर आप वीडियो मेकर भी हैं और आपको लगता है आप बहुत अच्छी वीडियो भी बना सकते हैं, तो आप क्या लिख देंगे, दैट वीडियो, जो वो काम, ये उसको अट्रैक्ट करने के वीडियो वीडियो, ठीक है, ये लिख दिया आपने। और यहाँ पर आप चार्ज कर लें $15, ठीक है, ये, और सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ये वाला ऑप्शन जो है ये आपकी गिग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हों तो आप लोगों ने इस बात को अपने जहन में लाजमी रखना है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन या अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे, आप लिख रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की या उस चीज़ की जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं सेल कर रही हूँ 1000 words पेट आर्टिकल एंड ब्लॉग्स, ठीक है, और मैंने अपने जहन में इसी चीज़ को रखना है कि मैं पेट आर्टिकल के बारे में ही सब कुछ लिखूँगी, ना कि अपने बारे में लिखना शुरू कर दूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर, उन्होंने लिखा होता है कि जी मेरा ये एजुकेशन है, ये है, ये है, तो ये सब कुछ आपने नहीं लिखना, ठीक है। सबसे पहले आपने शुरुआत करनी है, आपने बिल्कुल ये सोचना है, अगेन बहुत ही सिंपल वर्ड्स, कि आप किसी के आप फिज़िकल मार्केट में जाते हैं, तो अगर आप जाते ही जो है आपके साथ बायर के साथ अगर सेलर रूड बिहेवियर करे या फिर वो उसकी तरफ देखे ही ना और उसे ग्रीटिंग्स आ रहे ना करे, तो क्या होगा, एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है और आप उसकी शॉप से बाहर निकल आते हो। तो आपने बिल्कुल ये सोचते हुए अपनी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप आपकी दुकान में कोई सेलर घुसे, सॉरी कोई बायर घुसे, तो उसको आप किस तरह वेलकम करेंगे, ठीक है। अगर आप बैड रखेंगे तरीक़ाकार, तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन से बाहर निकल जाएगा। तो आपकी स्टार्टिंग टिल एंड इस तरह की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि देखने वाला इम्प्रेस और आपसे आपका काम परचेज करे, ठीक है। फॉर दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे ग्रीटिंग्स, आर यू फाइंडिंग प्रोफेशनल कॉपीराइटर, ये क्या लेते हैं, ब्लॉग राइटर और ब्लॉग और, ठीक है, मैं कर लेती हूँ जी आर्टिकल, क्योंकि हमारा कीवर्ड है आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटर फॉर योर पेट आर्टिकल्स, ठीक है, पेट आर्टिकल्स, पेट आर्टिकल्स, हु कैन राइटर फॉर योर ठीक है पेट आर्टिकल्स, आगे लिख लेते हैं देन, ठीक है, योर देन टू नॉट वरी, ठीक है,
डू नॉट वरी, अब आप उसके पेन पॉइंट को पकड़ रहे हो कि परेशान नहीं हो, ठीक है, डू नॉट वरी बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग, नाउ यू आर राइटिंग अबाउट योर सेल्फ दीज सर्विसेज, दीज प्रीमियम सर्विसेज, ठीक है, प्रीमियम से ये होगा कि आपका एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट आ जाएगा, सर्विस ओवर हियर, ये आपका जी एक सेंटेंस ख़त्म हो गया, रीडेबल होना चाहिए बहुत ज़्यादा, इसको मज़ीद रीडेबल बनाने के लिए देखें मैं ये कर देती हूँ, और ठीक है, और इसको मज़ीद एक लाइन का गैप डाल देते हैं ताकि ये मज़ीद रीडेबल हो जाए, ठीक है, इसके बाद आगे लिखा एज आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेस एज अ आर्टिकल राइटर, आर्टिकल राइटर ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल एंड हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन, यहाँ पर ये लोग अक्सर मुझसे सवाल होता है कि यहाँ पर मोर देन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अगर जब आप लिखते हैं ना आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, तो 3 years का मतलब प्लस ईयर्स या माइनस कुछ इस तरह का होना चाहिए, प्लस एक राउंड फिगर नहीं दें, ठीक है, मोर देन 3 years, दस आई न्यू व्हाट इज बायर्स डिमांड, ठीक है, ये करके लिख लिया, आगे आप लिख दें कि व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल यू गेट हो गया, ठीक है, इसमें आपने लिख दिया कि गेट फ्रॉम माई पेट आर्टिकल, डोंट कॉपी पेस्ट मी, आप लोगों ने बिल्कुल नए तरीके से लिखना है, ठीक है, मुझे कॉपी पेस्ट करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी का एक सेंटेंस भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हमेशा आपने नई चीज़ लिखनी है, क्योंकि फाइवर आप पर प्लेजरिज्म बड़े बुरे तरीके से मारेगा और उसके बाद आपकी गिग को डिनाई कर देगा, ठीक है, तो कॉपी पेस्ट वाला काम आपने नहीं करना। व्हाट विल यू गेट फ्रॉम माय पेट आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स, या इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया जैसे कन्वर्सेशनल हो गया, ठीक है, दूसरे नंबर पे हो गया रीडेबल हो गया, ठीक है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, यस, ठीक है, आगे आ जाए ग्रामेटिकल, ये कर लेते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल करेक्ट, आगे आ जाए प्लैजरिज्म फ्री, फ्री कंटेंट, ठीक है, ये आ गया, आगे आपने लिख दिया फर्ज करें आपको क्या चाहिए, व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, ठीक है, व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, आपने यहाँ लिख दिया वर्ड कंटेंट, नहीं 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 यस वर्ड काउंट, आपने आगे लिख दिया टाइटल, टोन आपने लिख दिया, टोन में लाइक वो उसको आई करके काम चाहिए, यू करके, थर्ड पर्सन फॉर्मल चाहिए, कैजुअल चाहिए, सारी चीज़ें वो आपको बता देगा, ठीक है, और ब्लॉक पर्पस, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख दी, आगे आपने लिख दिया लाइक एज आई हैव रिटन मोर देन, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लिखते हैं, आप लिखते हैं 2000 प्लस आर्टिकल्स, दस
दस आई विल प्रोवाइड यू आर्टिकल विद गुड रिजल्ट, ठीक है. दस आई विल प्रोवाइड यू अ वेरी यूनिक आर्टिकल आर्टिकल एट यू लव इट. बस इतना सही, ठीक है. या आपकी मर्जी, जो आप जो जैसा बेहतर समझ के लिख सकें, ठीक है. वाई यू विल चूज मी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइक बेस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है. यानी कि आप बेस्ट कम्युनिकेशन दे रहे हैं 7 ये रहने दें. आप लिखें बेस्ट कम्युनिकेशन एंड सो ऑन, जो आपका जी चाहे. यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स बना दें जो आपको यूनिक बनाए, यानी कि आप जो काम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप यूनिक बनाएं. यानी कि अभी तक जितना काम आपने प्रोवाइड किया है, जितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे आप क्यों प्रोमिनेंट है ये काम. आपने यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स में आपने ये चीज़ बता देनी है. इन द एंड आपने लिखना है होप यू विल, नहीं ये इसकी जगह आप लिखें कि आई विल ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर a high quality work. I will definitely चले, इतना काम काफ़ी है, इतनी ये आपकी काफ़ी है, ठीक है. अब आप लोगों ने क्या करना है कि मैं सिंपली ऑल्टर कंट्रोल प्लस एफ दबाऊंगी, ठीक है. कंट्रोल प्लस एफ दबाने के बाद मैं अपना जो मेरा मेन कीवर्ड है उसको लिख कर देखूंगी, ब्लॉक, ठीक है. ब्लॉक मेरे पास कितनी दफ़ा अपेयर हो रहा है, 1, 2, 3, 4. बेटर ये होता है 3-4 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए. अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं तो 5-6 दफ़ा भी हो सकता है, ठीक है. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर अ हाई क्वालिटी यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ पैट आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स, ठीक है. यहाँ पर मेरा कीवर्ड ये आ गया. अब दूसरा देखते हैं आर्टिकल्स कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है. आर्टिकल भी अगर मैं देखूं तो 3 दफ़ा आ रहा है. इसको भी एक दफ़ा और कर देते हैं, ठीक है. कहाँ कर देते हैं यू, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं. एज अ ये आर्टिकल एक जगह पर आ रहा है मज़ी, ठीक है. तो ये आर्टिकल हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगी. ये हमारे पास 6 टाइम ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, ठीक है. ये आप देखें, ठीक है. इसको फिर मैं और नहीं लिखूंगी. आगे देख लेते हैं पेट मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है 3 टाइम्स. इसको भी मैं एक दफ़ा और कर देती हूँ, ठीक है. हाई क्वालिटी एज सर्विसेज एज अ पेट आर्टिकल कर लेते हैं, ठीक है.
तो मेरा जो मेन कीवर्ड है वो अगेन एक और था, 1000, जो मैंने एक भी दफ़ा इस्तेमाल नहीं किया। मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ मैंने इस्तेमाल किया है पैट वर्ड, वहाँ पे मैं 100 वर्ड्स लिख दूँगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, थ्री टू फोर टाइम्स जैसे मैंने आपसे कहा है उसी तरह कर दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी कहीं डाल देते, यहाँ डाल देते। अब ये आपके पास, आपने 1200 कैरेक्टर्स तक लिखना है, इससे ज़्यादा आपने बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं करनी वरना ये पूरी नहीं आएगी। अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप बोल्ड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, आप किस तरह इसके बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। तो मैं इसको बुलेट पॉइंट्स बना लेती हूँ यहाँ से, ठीक है, साथ ही मैं इनको बोल्ड भी कर देती हूँ, इनके भी बना लेती हूँ, और मैं इनको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ठीक है, या ये मैंने 1 2 3 करके कर लिया। ठीक है, और इसको भी मैंने बोल्ड में कर लिया, साथ ही ये कर लिया। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, मुझे लगा कि ये सेंटेंस ज़्यादा मेरा जो बायर है अच्छे से पढ़ सकता है, इसको मैंने कर दिया जैसे बोल्ड में कर दिया। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी गिग को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। आगे आ जाता है एफएक्यू। एफएक्यू वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपका बायर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, ठीक है, और नहीं ये डालते हैं, हाउ कैन आई प्लेस द ऑर्डर। कोई नया बंदा, उसे ना पता हो कि किस तरह उसने ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, जस्ट लेट मी नो अबाउट योर इंफॉर्मेशन, जस्ट प्रोवाइड मी। ठीक है, आर्टिकल और ब्लॉग, आई विल सेंड यू अ कस्टम ऑफर, यू जस्ट टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, ऐड कर लिया, एक और भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप जितने जी चाहे कर सकते हैं। ठीक है, विल आई गेट, ठीक है, ये बायर पूछ रहा आपसे, यूनिक वर्क। ठीक है, इसके जवाब में मैं लिख देती हूँ, यस डेफिनेटली प्लैजरिज्म। ठीक है, प्लैजरिज्म का मतलब है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, इतना किया, और आपकी मर्जी, जितने जी चाहे लिखें, अपने वर्क के हिसाब से। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। रिक्वायरमेंट्स का यहाँ पर, अब आपको आपके क्लाइंट से या आपके बायर से कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये वो चीज़ें कहलाती हैं जिनको आपने पूछना है कि पूछने के बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना अक्सर बाय क्या करते हैं कि ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके बाद फिर आंसर नहीं करते। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, काइंडली स्पेसिफाई द टाइप ऑफ योर ब्लॉग। ठीक है, ये कर लेते हैं, ब्लॉग वेबसाइट भी। ठीक है, अच्छा, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं होता कि आप ये जो है
फिल करें, लेकिन समटाइम्स आपके लिए बेहतर हो तो आप कर भी सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें। समटाइम्स आपका जो जो बायर होता है, ठीक है, वो अपने ब्लॉग्स को पर्सनल यूज़ के लिए भी कर रहा होता है यूज़, और मार्केटिंग के लिए, और बिजनेस, मतलब जो भी, तो हम लोग यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग ये लिख लेते हैं, ठीक है। क्या ठीक है, एडसेंस के लिए कुछ लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, अदर हो गया, तो ये आपको बायर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पर ये आपकी मर्जी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर वीडियो, अगर आपकी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड की गिग नहीं है, इट इज़ डिपेंड ऑन यू, क्या आप अपने बायर को अगर वीडियो बनाकर आप इजीली बना लेते हैं और उसको अपील करना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज आपका राइटिंग से रिलेटेड अगर काम है या कोई ऐसा जो वीडियो से रिलेटेड वर्क नहीं है तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पिक्चर बना के लगाएंगे, आप की फ़ोटो वैसे तो बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको ये लाजमी सिखाऊंगी कि कैसे आप एक आई कैची जो है फ़ोटो बनाते हैं, कवर फ़ोटो बनाते हैं और उसको यहाँ पर लगाते हैं। अगेन, ऑडियो से रिलेटेड आपकी गिग है नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ऑडियो लगाएं, पीडीएफ वगैरह आप लगा सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे आज तक जो सबसे इजी तरीका लगा है वो है canva.com पर अपनी पिक्चर को, अपनी कवर फ़ोटो को, या किसी भी किस्म की मुझे पिक्चर्स की जब करनी होती है एडिटिंग वगैरह, तो मुझे सबसे ज़बरदस्त कैनवा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू यूज़ है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, क्रिएटर डिज़ाइन पे जाना है, अगर आपका या इसके ऊपर जो है एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, नहीं बना हुआ तो आप एक अकाउंट बना लें, इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री, आपने प्रीमियम नहीं लेना, फ्री वाला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंपल जाना है, कस्टम साइज़ करना, और 55370 हम लोग यूज़ करते हैं, ये फाइबर की डिमांड है कि एक बेहतरीन कवर जो आपकी कवर फोटो के एरिया में मुकम्मल तरीके से आ जाए और शो हो, वो हम लोगों ने बनानी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम कवर बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कवर आपके टाइटल के एंड मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। आप वो काम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने सेम उसी तरह की जो है कवर भी बनानी है, ठीक है। फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे बनानी है कोई भी, मैं नॉर्मल बना रही हूँ, मैं सिर्फ पेट आर्टिकल्स के लिए देखने लगी हूँ कि आर्टिकल्स वगैरह का मैंने बनाना है, ठीक है। मैं एक सिंपल सी यहाँ से इमेज उठाती हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये हटा देती हूँ, ये हटा देती हूँ, ये हटा देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई इस तरह की पिक्चर लेती हूँ जो फ़र्ज़ करें मैं अपनी ले लेती हूँ या मैं किसी और की ले लेती हूँ, ये मैंने डिफरेंट पिक्चर्स डाली हुई हैं, मैं यूज़ कर रही होती हूँ, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड लग रहा है, इसको मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अब आप मुझे बताएं, आपके लिए हैरान कन होगा कि जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बैकग्राउंड रिमूव करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जाएंगे remove.bg पर, यहाँ पर जाके अपनी कोई भी पिक्चर जो आप जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, और जस्ट यहाँ पर आपने जाकर क्या कर देना है, आपने यहाँ पर अपलोड करना है, और ये आपके पास आपकी पिक्चर रिमूव बैकग्राउंड के साथ आ गई, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाकर इस तरह पिक्चर लगा देनी, अपलोड मीडिया पे जाएंगे, डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पर पिक्चर लेकर आएंगे, यहाँ पर लगा दी, ठीक है। आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना ये कम है, ठीक है। जैसे मुझे ये स्क्वायर समझ में आ रहा है, मैंने ये उठा लिया, यहाँ पर ये मैंने लगाया, यहाँ मैंने लिख दिया,
गए। अच्छा यहाँ पर हमें ये देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टाइल फोन स्टाइल। यहाँ पर जाके मैंने लिखा फैट पार्टिकल, ठीक है, 100 वर्ड्स 1000 वर्ड्स। और मैंने सिंपल इसके अंदर जाके इसको यूं लगा दिया, ठीक है। इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैंने ये रख दिया, मुझे पसंद आ रहा है ये, मैंने ये रख लिया, ठीक है। एक और लगा लेते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं, इसमें लिख लेते हैं 100% ओरिजिनल। अच्छा आपने क्या करना है, आपने ना लोगों की, अपने कॉम्पिटिटर्स की ये देखनी है कि ये किसका काम प्रोवाइड करें, ठीक है। आपने मेरी कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपको मैं सिर्फ एक लिखने का तरीका कार बता रही हूँ। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं मिडल में, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। ये मेरी एक कवर तैयार हो गई, मैं सिंपल जाऊँगी यहाँ से, मैं डाउनलोड कर लूँगी JPG में। ये मेरे पास पिक्चर आ गई, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं सिंपल अपने पेज पर वापस गई, ब्राउज किया, ये लगाया और यस सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर इस वक्त की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर चूंकि मैं कॉपी राइटिंग और जैसे मैंने बताया कि रेज्यूमे राइटिंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ, दे बोथ आर रिलेटेड टू राइटिंग, ठीक है, राइटिंग स्किल से रिलेट करता है। लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पर गिव इंग्लिश टेस्ट अपियर होगा पब्लिश गिग से पहले, ठीक है। आपने जब इसके ऊपर क्लिक करना है टेस्ट देने के लिए, तो ना आपने अपने पेज को बंद करना है, ना यहाँ क्लिक करना है, ना यहाँ क्लिक करना है, किसी जगह ना नई टैब खोलने की कोशिश करनी है, ना आपने मतलब आउट ऑफ दिस पेज जो टेस्ट का एक नया पेज अपेयर होगा, आपने उसके अलावा कहीं पर भी और क्लिक नहीं करना, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो आप जो है वो टेस्ट से आउट हो जाएंगे और उसके बाद आप 90 डेज़ के बाद दोबारा टेस्ट में अपेयर हो पाएंगे, और उसके बाद आपने सिंपल पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक कर देना है। टेस्ट देने के बाद टेस्ट एक बहुत ही सिंपल सा होता है, ये रिलेटेड टू ग्रामर, यू कैन से पंक्चुएशन, और ये FAQs होते हैं, बहुत ही सिंपल से, ठीक है। इतना कोई हार्ड टेस्ट नहीं होता जो आप लोग ना दे पाएँ, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करना है और आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। जैसे कि मैं पब्लिश गिग करके देखती हूँ। अच्छा यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है शेयर कर सकते हैं। मैं नहीं समझती इसका कोई भी फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, डन पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास आपकी गिग जो है वो रेडी है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तरीक़ेकार होते हैं और वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो आज की आज के लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि कैसे आपने गिग को बनाना है और किस तरह अपने काम को प्रोवाइड करना है। अगेन आपने अगर चूज़ कर ली है अपनी स्किल और आपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स चूज़ कर लिए हैं जिनको आपने मुझे हरगिज़ नहीं भेजना बल्कि अपने पास रखना है, और जब आप लोग अपनी गिग पहली बना लेंगे तो आपने सिंपल जो मैंने आपको अपनी अपने जो है फेसबुक का लिंक प्रोवाइड किया है, मेमुना नासिर शाद,
उसके इनबॉक्स में आपने जाना है और जाकर अपने गिग के लिंक को कॉपी और पेस्ट कर देना, ठीक है, या आपने अपना यूज़र नेम प्रोवाइड कर देना, जिसके बाद मैं एबल हो जाऊँगी कि मैं आपकी गिग को चेक करूँ। इंशाल्लाह उल अज़ीज़, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।